साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार यादव। आज हम सभी उपस्थित हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर वेद सर के साथ, ठीक है। और यह व्यक्ति खास इसलिए हैं जिनके साथ आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, आरओ एआरओ का जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक मामले को पूरे उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुआ है उसे दोबारा से री एग्जाम करवाने के लिए जो प्रयासरत हैं, जिन्होंने अखंड प्रयास किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, वेद सर ने लगातार छात्रों के साथ मिलकर धरना खड़ा किया और प्रशासन पे ये दबाव डाला कि प्रशासन और प्रशासनिक तरीके से इस जो री एग्जाम करवाना है आरओ एआरओ का, इस पेपर को करवाया जाना चाहिए। जबकि आपको पता होना चाहिए कि आरओ एआरओ आयोग मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और छात्रों पर बड़ी बेरहमी से प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। इलाहाबाद के गलियों में और अगल बगल के आयोग में टहलते हुए अगर आयोग के अगल बगल भी कोई छात्र टहल रहा है, उसे पकड़ के बैन में भरा जा रहा था, मारा जा रहा था। ये अमानवीय कार्य जो किया गया प्रशासन के द्वारा, कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, ठीक है। और पूरे मुद्दे को वेद सर ने बड़े बढ़िया तरीके से इन्होंने कमिश्नर साहब के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा और आयोग के सामने, आयोग के अध्यक्ष को भी इन्होंने अपनी बात रखी, और पूरे छात्रों को लीड करते हुए इन्होंने आरओ एआरओ एग्जाम को दोबारा करवाए जाने के लिए मांग लगातार कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी पेपर लीक होते हैं, जैसे सपोज एक सी टेट का एग्जाम हुआ उसे भी नहीं माना गया, यूपी टीईटी का एग्जाम हुआ उसे भी नहीं माना गया, लेकिन छात्रों के दबाव में आकर सरकार ने फटाक से माहौल देखते हुए पेपर लीक को रद्द कर दिया। अब आरओ एआरओ वाला जो पेपर रद्द करना है, इसमें छात्र लगातार लगे हुए हैं, सभी उसमें प्यारे भाई बहन और धरना स्थल पे। अब मैं आप लोगों को बताते चलूं कि जो धरना पहले आयोग के गेट 2 नंबर गेट पे चल रहा था, वो धरना अब आपके जो इलाहाबाद में धरना स्थल है पत्थर गिरजाघर, वहाँ धरना चल रहा है। और तत्काल हमारी मुलाकात वेद सर से वहीं पे हुई है, क्योंकि वेद सर वहीं उपस्थित थे, हम लोग वहीं पहुंचे और इनसे मुलाकात हुई, और इस समय हम लोग गाड़ी में बैठ के एक साथ इनके साथ चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वेद सर सिर्फ 2 मिनट में ये बताएं कि इस री एग्जाम को लेके प्रशासन क्या चाहती है और क्या री एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, री एग्जाम होगा, होना चाहिए और होगा, क्योंकि जिस तरह से छात्रों के इतने आंदोलन के दबाव के बाद सरकार भी दबाव में है, शासन भी दबाव में है और आयोग भी दबाव में है, और दबाव कोई नाजायज नहीं है, दबाव जायज है। परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, सर्वविदित है, आयोग भी यह बात जान रहा है, मान भले न रहा हो औपचारिक रूप से जी। तो उसने इंटरनल जांच कमेटी बनाई और एसटीएफ को जांच दिया, इसके अलावा शासन ने भी अपने स्तर पर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को जांच दिया, उसने भी एविडेंस छात्रों से मांगे हैं और छात्र भेज रहे हैं, पर्याप्त एविडेंस है, सभी जानते हैं, और पेपर कैंसिल होना चाहिए। पेपर लीक का एक जो ये दौर सा चल गया है, यूपी पुलिस का हुआ, यूपी पीएससी का, आरओ एआरओ का हुआ, अभी पिछले दिनों हुई केंद्रीय संस्था है सीएसआईआर, काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसका सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ का पेपर लीक हुआ, आज खबर आई है। तो ये जो पूरा पेपर लीक चल रहा है, ये इसको ठीक करना होगा, इसको लीक प्रूफ करने के लिए हम लोग शासन और जो संबंधित संस्थाएं आयोग हैं उनसे मांग करते हैं, और हमको भरोसा है कि ये बिल्कुल ये पेपर लीक जो हुआ है वो कैंसिल करेंगे, संवेदनशील होगी सरकार जरूर इसको लेकर, और शासन और आयोग भी पूरी संवेदनशीलता से इसको मानेगा और पेपर लीक जो हुआ है उसको कैंसिल करेगा और पुनर्परीक्षा होगी। इस संबंध में एक और मांग हम लोगों की है आयोग तक, जो हम लोग पहुंचाए हैं विभिन्न माध्यमों से, आपके भी माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, कि यूपी पीसीएस का पेपर जो 17 मार्च को होने वाला है, क्योंकि छात्रों का लंबा समय इस सब में चला गया है, इस उलझन में, इस बेचैनी में, तो उसकी डेट भी बढ़ा दी जाए और बढ़ाकर उसके लिए भी समय दिया जाए, जिससे हम लोग उसकी भी तैयारी कर सके, पढ़ सके सभी अभ्यर्थी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। साथियों हम ये कहना चाहेंगे, तमाम तरह के जो जितने भी मतलब पेपर लीक का मामला आ रहा है, या फिर जो पेपर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हैं जिसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं, कहिए है, देखिए सरकार ने एक एजेंडा बना लिया है कि शिक्षा विभाग से संबंधित तमाम जो त्रुटियां हो रही हैं प्रदेश में, देखिए सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, जितने भी छात्र हैं वो छात्र सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सरकार शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर ले और रोजगार प्रोवाइड करवाए,
पूरे छात्रों का सिर्फ यही मांग है ना, पेपर लीक हो रहा है, चाहे पेपर आयोग द्वारा गलत बनाया जा रहा है, मामला कोर्ट में जा रहा है, चाहे धरना स्थल तक जा रहा है, इसमें दोष किसका है? आप एक तरफ कैसे कह देते हैं कि छात्र इसमें दोषी हैं, छात्र नेता दोषी हैं, ये सरासर गलत है। अगर कोई पेपर लीक होता है तो इसमें प्रशासनिक कहीं ना कहीं लापरवाही होती है, और दूसरी बात यह है कि अगर पेपर गलत होता है तो कहीं ना कहीं आयोग की गलती है। तो इन सभी मुद्दों पे छात्र इन्हीं दो प्रमुख मुद्दों पे हर जगह परेशान है। तो मुझे लग रहा है कि मतलब शासन प्रशासन और इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि भाई जो पेपर छात्रों का रद्द हो लीक हो रहा है वो लीक ना हो, क्योंकि जो फॉर्म भरे जाते हैं ना, आजकल फॉर्म जो भरे जाते हैं वो 150 में नहीं भरे जाते, वो फीस आजकल लग रही है 1500, 2000, 1200, 1000, 700, 800। तो बेरोजगार छात्र कहाँ से लाएंगे? ये लड़ाई बड़ी लंबी चल रही है। मैं देख रहा हूँ कि हर पेपर लीक हो रहा है और हर पेपर में या तो कोर्ट में रिट दायर होता है या तो फिर धरना स्थल पर धरना चल रहा है। आप लोग इलाहाबाद कभी भी आ जाइए, इलाहाबाद के पत्थर गिरजाघर पे आ जाइएगा, वो धरना स्थल है, देखेंगे आए दिन कोई ना कोई धरना वहां चल रहा है, सिर्फ क्या है, छात्रों का मुद्दा है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि सरकार इस पे आंख मूंद के बैठेगी, हमें पूर्ण विश्वास है अपने सरकार पे कि सरकार छात्रों की इन मुद्दों को सॉल्व करेगी और छात्र हित में फैसला लेगी। ठीक है, चलिए आप सभी साथी जो भी आर ओ एग्जाम के छात्र हैं हमारे साथ, वेद भैया हैं, वेद भैया ही पूरा स्टैंड किए हैं और तमाम साथी भी इनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि ये मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे प्रदेश के छात्रों का है। जितने भी आर ओ के स्टूडेंट आज परेशान हैं, इस सबके हित के लिए आज इन्होंने हाथ खड़ा किया है और ये कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। साथियों, आप लोग भी जब भी इलाहाबाद आएँ पत्थर गिरजाघर आप लोग इनसे मिल सकते हैं, पत्थर गिरजाघर पर आप लोग पहुँच कर धरना सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।